फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं मोनोपॉज की स्थिति में तो ये आपको मोनोपॉज के दौरान होने वाली घबराहट से काफी ज्यादा बाहर निकाल सकता है। दोस्तों मोनोपॉज की स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंतर्गत हर स्त्री को या फिर कुछ स्त्रियों को जो कि मोनोपॉज से काफी ज्यादा ग्रसित है उन्हें काफी ज्यादा घबराहट होती है। इस घबराहट से बचने के बहुत ही सरल उपाय है, जैसे कि अच्छा खाना खाइए, ऐसा खाना खाइए जिसकी वजह से आपके सीने में जलन ना हो। अगर आप बहुत ज्यादा तेल मसाले वाला खाना खाएंगे तो उसकी वजह से आपके सीने में जलन बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए ऐसा खाना खाइए जो कि टेस्ट में लाइट हो और आपके पाचन तंत्र के लिए भी काफी अच्छा हो। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और योगा और ध्यान हमें किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, जिसकी वजह से हमें बार बार तनाव लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए योगासन जरूर करिए और अपने खाने पीने की आदतों पर ध्यान दीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या फिर ड्रिंकिंग यानी कि शराब पीते हैं तो इस आदत को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि मोनोपॉज की स्थिति में अगर आप ये दोनों चीजें करते हैं तो आपकी हालत और भी ज्यादा बदतर हो सकती है। इसीलिए दोस्तों इन सारी चीजों पर ध्यान जरूर दीजिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।